अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम जो है वो बनाने जा रहे हैं शामी कबाब, क्योंकि आगे जो है आ रहा है रमज़ान और मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी रमज़ान की सीरीज़। तो उसमें जो है वो सबसे पहले एपिसोड में जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी कबाब की रेसिपी, रेशा कबाब। और मैं कबाब बना रही हूँ चिकन के, तो उसके लिए जो है ये मैंने लिया है 250 ग्राम चिकन, और ये 1 कप मैंने लिए चने की दाल। ये ज़्यादा लग रही है क्योंकि कबाब आपके तभी अच्छे बनेंगे अगर आपकी चिकन की रेशो ज़्यादा हो और चने की दाल कम हो। 1/2 कप चने की दाल जो है वो 250 ग्राम चिकन के लिए इनफ होगी। और इसके लिए हमें चाहिए 1/2 कटा हुआ अनियन, 1 टेबल स्पून जिंजर और लहसुन का पेस्ट, और इसके लिए हमें चाहिए ये खड़ा मसाला। खड़े मसाले में हमें चाहिए दालचीनी का एक टुकड़ा, चंद काली मिर्चें, लौंग और ये बड़ी इलायची, और छोटी इलायची भी डालेंगे, वो मैं डालना भूल गई हूँ। और इसमें जो है ये हम साबुत कुछ पीसे हुए जो मसाले डालेंगे वो हैं 1.5 टेबल स्पून है हमारे पास धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून है हमारे पास जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, और कुटी हुई मिर्चें तो कुटी हुई डाल दें, मेरे पास इस टाइम कुटी हुई फिनिश हुई थी तो मैंने जो है ये साबत ले लिए। और यहाँ पे मैं आपको एक और टिप भी देती चलती हूँ कि अगर तो आप अपने जो है वो कमर्शियल लेवल पे बनाना चाह रहे हैं, मतलब आप वर्क फ्रॉम घर से जो है ये सेल करती हैं फ्रोज़न और ये सब चीज़ें, तो आप उसमें जो है ये कोई भी ब्रांड का जो है ये शामी कबाब का मसाला भी डाल सकती हैं। लेकिन अगर आप जो है वो नहीं डालना चाहती हैं, घर के मसाले ही डालना चाहती हैं, तो आप ये खड़े मसाले डाल दें और इसमें ग्रीन इलायची भी ज़रूर डालें एक दो, उनसे ही आपके कबाब का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको जो है वो मतलब लोग वाह वाह करते रह जाएंगे आप लोग जब ये है ये खाएंगे। चले इसके साथ ही हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। जी तो व्यूवर्स, अभी जो है ये हमने अपना पैन ले लिया है, और पैन के अंदर जो है ना आप 2 से 3 टेबल स्पून, वैसे कुछ लोग कबाब में नहीं भी डालते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से जो है वो कबाब बनाएंगे ना तो आपके बहुत अच्छे कबाब बनेंगे। अभी इसमें हमने 2 से 3 टेबल स्पून जो है ये ऑयल डाल दिया है। अभी इसमें हम डालेंगे प्याज, और ये हम अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे कबाब को प्याज से, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं कीजिएगा, लेकिन मतलब हल्के से सौते कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ब्राउन करने से इनका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से फ्राई करके बनाएंगे ना, आप यकीन माने आप तो जो है ना वाह वाह करेंगे और उंगलियाँ काटेंगे। आप ट्राई करके देखें आप इस तरीके से कबाब। चले मैं अभी प्याज को जो है ये फ्राई करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये हमारे प्याज जो है ये ब्राउन हो चुके हैं, मतलब हल्के से सौते हुए हैं, आप देख भी सकते हैं। अब साथ ही हमने इसमें डाल दिया अपना लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। अब हम हल्का सा इसको ब्राउन करेंगे, और साथ ही जो है ये आप डाल दें अपना खड़ा मसाला। और साथ ही जो है ये आप डाल दें अपना, और चिकन को जो है ये फ्राई करती हूँ हल्का सा। तो फ्राई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, फ्राई करने के साथ ही जो है ये हम अपने खड़े मसाले और पीसे हुए मसाले भी इसमें डाल दें, और इनके अच्छे से भुना के छींटा दे दिया था। तो आपको पता है कि जब आप थोड़े खड़े मसाले डालते हैं और साबुत मसाले और ये पीसे हुए मसाले डालेंगे तो ये जल जाने का भी खतरा होता है। अभी हम मैं बस क्या करूँगी, अभी इसमें जो है इसको अच्छे से थोड़ा सा और भूनूंगी, और भून के इसमें जो है ना मैं 3 ग्लास जो है ये पानी के डाल दूँगी, क्योंकि हमारे चिकन ने भी गलना है और चने की दाल ने भी गलना है, तो मैं एक ही दफ़ा डाल दूँगी, ठीक है। और याद रखें हमेशा जब भी कबाब बनाएं कभी भी बोनलेस चिकन मत डालें, क्योंकि बोनलेस चिकन का जो है वो उतना टेस्ट नहीं आएगा। अब बोन्स वाला और बोनलेस दोनों इकट्ठा डालें, क्योंकि बोन्स का अपना ही टेस्ट होता है। चले जो है ये अभी हम चिकन को पकने देते हैं, तो फिर मैं उसके बाद आपको जो है वो दिखाती हूँ, फिर हम इसकी बोन्स अलहदा करें। जी तो व्यूवर्स, ये देखिए ये मैंने इसके अंदर जो है ये पानी डाल दिया है। अभी जो है हम अपने कबाब के जो चिकन है इसको गलने के लिए रख देंगे, और जब ये गल जाएगा ना तो फिर हम इसकी बोन्स अलहदा करके इसमें चने की दाल डाल देंगे, और फिर इसको जो है चने की दाल को गला देंगे, ठीक है। अभी हम चलते हैं।
जी तो व्यूवर्स, ये देखिए हमारा चिकन जो है ये बहुत अच्छे से गल चुका है। तो अभी ठंडा होने पर जो है वो हम इसमें से जो है वो बोन्स को अलग कर लेंगे और चिकन अंदर रहने देंगे। अगर आप ये करेंगे कि दाल भी साथ डाल देंगे और आप सोचें कि बाद में मैं निकाल लूँगी, तो फिर ये मसला होगा कि आप जो है ना उसमें से दाल और बोन्स को अलग करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप पहले ही बोन्स को अलग कर लें, उसके बाद जो है वो हम दाल डालेंगे। दाल कितनी है? दाल मैंने हाफ कप ली है, सोख की हुई थी, रात से सोख की हुई थी। तो हम इसमें जो है वो दाल डाल के तो इसको गला लेंगे। तो गलाने के बाद जो है वो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे का प्रोसेस क्या होगा। जी तो व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर जो है ये बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। तो अभी ये है कि इसको ज़्यादा ठंडा मत कीजिएगा, अगर ज़्यादा ठंडा करके आप इसको जो है वो मैश करेंगे तो ये फिर सही से मैश नहीं होगा। तो अभी हम ऐसे करते हैं कि इस बैटर को जो है ये हम चॉपर में डालते हैं और इसको चॉप करते हैं। देखिए ये है, हम अपना बैटर इसमें डाल देंगे। तो अभी मैं इसको बैटर को बीट करती हूँ और अभी मैं जो है ये फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं कि जो हमारा बैटर है ये सारा हम लोगों ने जो है वो मैश कर लिया है। और इसी पॉइंट पर जो है ये आप देखेंगे कि इसका नमक मिर्च चेक करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपको कुछ लग रहा है, कमी पेशी लग रही है, मिर्चें कम है या कुछ भी कम लग रहा है, तो आप जो है वो इस पॉइंट पे इसमें ऐड कर सकते हैं। और अभी ऐसे है कि अगर आपको ये फील हो मैश करते हुए कि बैटर काफ़ी ड्राई है, क्योंकि जो चिकन होता है ना ये इसका जो थोड़ा सा ड्राई वो होता है जब ये मसाला बनाते हैं ना, तो ये थोड़ा सा ड्राई रहता है। अगर आपको फील हो कि ये जो चिकन का बैटर है ये थोड़ा सा हार्ड है, इसी तरह से पिस नहीं रहा है, तो आप क्या करें इसके अंदर अंडा डालने हैं। और अंडा डालने का एक बेनिफिट तो ये भी होता है कि आपके जो शामी है ना वो बड़े क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं। तो अभी ये है कि मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगी कि इसमें जो है मस्ट धनिया और पुदीना डालें। मेरे पास इस टाइम नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ, अगर आपके पास है तो इसमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में धनिया आप डालें, आपके कबाब बहुत ही अच्छे बनेंगे। और अभी इसमें जो है वो लास्ट में हम डालेंगे गरम मसाला। ये गरम मसाला थोड़ा सा ऐड करेंगे, बाकी इसमें बिल्कुल जो है ये परफेक्ट है, इसके अंदर कोई कमी पेशी नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, मिक्स करके इसके जो है ये कबाब बना लेंगे। और गरम मसाले की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मैं आपको जो है ना ये इस गरम मसाले की, अपने गरम मसाले की रेसिपी बताऊंगी। आप यकीन करें, आप घर पे बनाइएगा ना तो आपकी कढ़ाइयों का, आपके खानों का जो है ना मज़ा दुबाला कर देगा ये मसाला जो है। अभी जो है वो हम अपने हाथ यूज़ करते हैं। ये देखिए ऑलमोस्ट मिक्स हो चुका है। अब आप इसके जो है ये मेरा जो बैटर है ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके शामी बना लेंगे। शामी बनाने की जो चॉइस है, आपको मोटा चाहिए पतला चाहिए ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं ज़रा मीडियम से खाती हूँ, मुझे बिल्कुल वो पतले से भी अच्छे नहीं लगते हैं। थोड़ा सा मोटा मीडियम मिक्स सा बनाती हूँ मैं। ये देखें ऐसे जो है ना ये आप इसकी शेप कर लें। ये देखिए मैं आपको फोकस करके दिखाती हूँ, ऐसे इसकी शेप बना लें। और आप जो है ये इसको फिर बाद में जो है वो अंडा लगा के इसको फ्राई कर लीजिएगा। मैं दिखाती हूँ, अगर आप मतलब जैसे इसको फ्रीज करना है, इसको फ्रीज करने का एक बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको ऐसे ही मत रख दें, एक दूसरे के ऊपर रख के जो है ना इसको कर लें। मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ कि आप ऐसा करें, पहले प्लेट या बोल में जो है ना एक प्लास्टिक बिछाएं और उसके अंदर जो है वो शामी रख दें। ठीक है, शामी रखने के बाद एक लेयर जब पूरी हो जाएगी उसके ऊपर फिर प्लास्टिक रखें और फिर उसके बाद जो है शामी की लेयर लगाएं। मैं आपको दिखाती भी हूँ ये। जी तो व्यूवर्स, ये देख सकते हैं हम शामी जो है ये बना रहे हैं। और शामी जो है ये बना के जो है ना ये देखें, मैंने नीचे प्लास्टिक लगा लिए,
प्लास्टिक लगाने के बाद जो है ना, अब ये पूरी, जब ये पूरी प्लेट भर जाएगी ना, आप इसके ऊपर एक और प्लास्टिक लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके ऊपर आप अपनी कबाबों की लेयर लगाइएगा दोबारा, और फिर कबाब ऐसे कीजिएगा फ्रीज कर लीजिएगा, ठीक है। मैं तो यही सजेशन दूंगी कि आप इनको ट्रे में ऐसे फ्रीज करें, आपके जो है ये काफ़ी सारे कबाब, इनको फ्रीज कर लें पहले। फिर नेक्स्ट डे जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे ना, तो आप प्लास्टिक की पन्नियाँ ले लें, छोटी छोटी पन्नियाँ भी आती हैं जिनमें जो है ये, आप अगर तो सेल करना चाहते हैं तो कबाब आप उनमें डालकर जो है वो आराम से जो है सेल आउट भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको चीप भी पड़ेंगे। या फिर ये कर सकते हैं कि ज़िपर बैग्स, ज़िपर बैग्स ये होते हैं कि वो रीयूजेबल होते हैं, आप ज़िपर बैग में डाल के जो है ये पूरे रमज़ान के लिए इनको फ्रीज़ करके रख लें और इन्जॉय करें कि आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी, कभी कुछ नहीं भी बना हुआ होता, कुछ मसला हो जाता है तो इंसान फ़ौरन से कबाब निकालता है और इसको खा लेता है। और कबाब से तो इतनी चीज़ें बन जाती हैं, जैसे भाई आप बर्गर बना सकते हैं, बन कबाब बना सकते हैं, आप जो है ये कुछ भी, बहुत सारे आइटम्स हैं, आप इसको पराठे के साथ वैसे भी खा सकते हैं, रायते के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए मैं कबाब बना के फ्रीज़ करती हूँ और फिर हम कुछ जो है वो आपको फ्राई करके भी दिखाएंगे। मैं आपको जो है वो इसकी पूरी दिखाऊंगी कि जब मैं इसको फ्रीज़र में रखूंगी और फिर जब मैं इनको प्लास्टिक में डालूंगी, पूरा मैं जो है ना प्रोसेस में आपको दिखाऊंगी इसका। जी तो व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं हम लोग के शामी जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखिए कितने सारे शामी बन गए हैं, उनको बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, खुद घर पर बनाएं। और अब ऐसे ही हम इनको जो है वो फ्रीज़र में रख देंगे और फ्रीज़ कर लेंगे, और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे ना, तब आप इनको शॉपर में डाल के रख दीजिएगा और साथ में जो है ना इनको रबर बैंड लगा दीजिएगा या स्टेपल कर दीजिएगा, और ये जगह भी कम लेंगे और आपके शामी जो है वो भी महफूज हो जाएंगे। जी अभी हम जो है वो कबाब को फ्राई करते हैं। कबाब को फ्राई करने का तरीका ये है कि इसको अंडे में डिप करें, और डिप करने के बाद जो है ये फ्राई पैन में डाल दें। अगर तो आपके कबाब फ्रीज हों तो इसको गर्म तेल में कभी भी मत डालिएगा, आपके कबाब जो है वो अंदर से फ्रीज रह जाएंगे और बाहर से जो है कलर आ जाएगा। इसी तरीके से हम एक एक करके अपने सारे कबाब जो है ये फ्राई कर लेंगे। अगर ये फ्रीज हो तो आप ऐसे ही इस तरह डाल के जो है इसके ऊपर, फ्राई पैन के ऊपर जो है, फ्राई पैन के ऊपर जो है ढक्कन लगा दें, तो इनकी जो आइस है ये अच्छे से जो है ये मेल्ट हो जाएगी अंदर से। अभी हम इनको फ्राई करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। जी तो व्यूअर्स, हमारे कबाब जो है ये रेडी हो चुके हैं, खुद भी खाइए, अपनी फैमिली को भी खिलाइए। आप इसको किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं, ग्रीन सॉस के साथ भी, केचप के साथ भी, और रायते के साथ भी, जो चीज़ भी अवेलेबल हो। नहीं हो तो ये कबाब तो वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखें, आप इनकी जो है ये फाइनल शेप भी दे सकते हैं, देखें बहुत ही मज़े के और बहुत ही अच्छे कबाब हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय।